की सीट राजस्थान में हाईएस्ट वोट टू से जीतेंगे हम, ये पक्का है। इतना किसानों का कार्यकर्ताओं का विश्वास है, 45 साल मैंने काम किया निस्वार्थ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की हाईकमान और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हाईकमान का मैं आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक खेडूत के खेडूत को टिकट दिया, खेत की मेड़ पे पल पोस्ट बड़ा हो और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लाइक मुझे समझा है, मैं उस पर उनकी उम्मीदों को खरा उतरूंगा। और अजमेर की सीट राजस्थान में हाईएस्ट वोट टू से जीतेंगे हम, ये पक्का है। इतना किसानों का कार्यकर्ताओं का विश्वास है, 45 साल मैंने काम किया निस्वार्थ ईमानदारी से काम किया। मेरे केवल ये मकान ही प्रॉपर्टी है 45 साल, 35 साल डेयरी चेयरमैन में और 45 साल के कार्यक्रम में, मुझे पूरा भरोसा है कि ईमानदारी लंबे समय पे करते। काफ़ी लंबे समय के बाद विधानसभा का टिकट भी मांगा था, सांसद का टिकट दिया है पार्टी ने, बात को पार्टी ने जो लायक समझती। मेरे जिले में ही मैं फिट हूँ, 6 बार जिले के चुनाव हुए, डेयरी के 6 बार जीता हूँ और सर्वसम्मति से जीता हूँ, तो जिले में तो बढ़िया रिजल्ट आता है मेरा और सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद। मैं रीजनल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ 60 साल पहले, 64 से 68, मेरे साथी अजमेर शहर में पढ़े हुए हैं। मैं हस्बैंड स्कूल में लेक्चरर रहा 73 से 2003 तक, 30 साल तक, 5 साल प्रिंसिपल रहा। मेरा हजारों लड़के पढ़ाए हुए शहर में, तो शहर में भी अच्छे वोट मिलेंगे। शहर की दोनों सीटों से कांग्रेस जीतेगी पहली बार, या तो रघु जी के टाइम में जीती है, मेरे पर रघु जी का भी आशीर्वाद है। विकास चौधरी जी ने पूरा सहयोग दिया टिकट में, जो कांग्रेस के जीते प्रत्याशी सब ने मेरा सहयोग दिया, मैं उनका आभारी हूँ और उन सबका मेरे को जो सहयोग मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये राम मंदिर की जो है इनको अभिशाप, राम मंदिर का जो इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है उसका अभिशाप बीजेपी को लगेगा। मंदिर कलश ही नहीं चढ़ा ऊपर, मंदिर पूरा ही नहीं हुआ, अधूरे मंदिर में आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो भगवान तो नाराज होंगे। भगवान राम इनको पहले फायदे दिए, अब सजा देगा और उसी का जो है कारण है कि इनकी 200 से कम सीटें आएगी। मतलब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो भारतवर्ष में 4 जो है हमारे शंकराचार्य उनको बुलाना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए और जोड़े से होना चाहिए। पूजा का नियम है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जोड़े से करते हैं, इन्होंने जोड़े से नहीं। भाजपा से भागीरथ चौधरी को टिकट मिल गया, जीत का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? मैं तो भाजपा हाईकमान का भी शुक्रगुजार अदा करता हूँ, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सरल कैंडिडेट दिया और कांग्रेस पार्टी धड़ल्ले से जीती।